What's up guys, welcome to my new vlog. हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जाने वाले हैं अभी मंदिर में. हम लोग का अभी ट्रेन है थोड़ी देर में. इससे पहले ना हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं जाके कैंटीन में और उसके बाद अंदर जाके है ना वीडा सब रखने का है, क्योंकि जब भी है ना मालसा टेम्पल से घर जाते हैं ना तो वीडो रख के जाते हैं, ताकि ना हम लोग का जर्नी सेफ और अच्छे से हो जाए. तो हम लोग है ना पहले अभी वीडो लेते हैं, उसके बाद वीडो मतलब सुपारी और पान, तो वो दोनों साथ में रख के हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़ के बॉम्बे जाएंगे. तो अभी वीडा लेने जा रहे हैं, इधर ही दुकान है तो हम लोग दुकान से वीडा लेते हैं. देखिए कल तक है ना इतना अच्छा इधर स्टॉल सबका, अभी सब स्टॉल निकाल दिया इधर, क्योंकि ले कौल प्रसाद ख़त्म हो गया. तो ये देखें यहाँ पे हम लोग ने वीडा ले लिया है और ये देखिए मंदिर का एंट्रेंस कितना मस्त लगता है सुबह. और ये दिवली बहुत बड़ा दिवली है ये, और हम लोग अभी वहाँ पे जाना है कैंटीन में. पहले तो इधर ही रुकते थे रूम्स में, कितना रूम्स है यहाँ पे. हम लोग सब शेयरिंग में रहते थे, तो अभी बाहर हम लोग का अपार्टमेंट में हम लोग ने बुक किया था. तो अभी देखिए सुबह का मॉर्निंग कौल प्रसाद ख़त्म हो गया, तो अभी सब लोग अपने अपने घर पे जा रहे हैं. और यहाँ पे भटमाम जी आ रहे हैं, भटमाम आ रहे हैं. आज हम लोग को इडली सांभर मिला है इधर, चाय भी आ गया, अभी खाते हैं. मस्त है, सुपर. पे हमारा ब्रेकफास्ट करके हो चुका है और हम लोग अभी मंदिर जा रहे हैं. क्या ब्यूटीफुल लग रहा है मॉर्निंग में मंदिर, ये देखिए क्या ब्यूटीफुल. मालूम है कि मेरा और शुभदा का शादी हम लोग का इधर ही हुआ था मालसा मंदिर में, वो सामने हॉल है उधर हम लोग का शादी हुआ था. यादें ताज़ा हो रही है. तो हम लोग ने सब वीडर रख दिया है, अभी अंदर मंदिर में भी रख दिया है, बाहर हनुमान मंदिर में भी रख दिया. तो हम लोग अभी बैग लेके फिर स्टेशन जाएंगे. तो हमने अभी चिवड़ा और ये खाजा लिया है. हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और हमारा पैकिंग सब हो चुका है. और ये देखिए हमारा पैकिंग, और ये हमको चावल मिला था कल, और यहाँ पे बैग, इतना सब बैग है. और चलते हैं अभी, हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, अभी जाके सब टैली करते हैं, उसके बाद स्टेशन. हम लोग अभी इधर होटल में आए हैं, शुभदा का ब्रेकफास्ट बचा था तो अभी हम लोग होटल में जा रहे हैं. कल इधर आए थे ना, उधर ही हम लोग जा रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या खा रही है, मिसल पाव, गोवा का ब्रेड, गोवा का मिसल पाव ये. हम लोग तो महाराष्ट्र में खाते हैं ना, ये देखिए गोवा का सिंपल रहता है, सिंपल मतलब ये गोवन गोवन भाजी और ऊपर मिसल और कांदा. कैसे खाते देख, अभी मैं भी खा के देखता हूँ, मैंने भी खाया नहीं, कोई तो नहीं खाया. चाट मैं तो खाएगा, घर पे बनाते वैसे ही. मस्त है, बटाने का मसाला अच्छा है, सुपर. ये भाजी है ना, एक नंबर भाजी है. ऐसा एक बार मुंह में डाल दिया ना, ऐसा लगता है कि घड़ी घड़ी खाने का, अभी इतना टेस्टी लग रहा है. सिंपल उसल मसाला है, ऐसा है ना, ये इधर ही मिलेगा गोवा में, और किधर भी नहीं मिलेगा. चाय भी आ गई स्पेशल, चाय के बगैर ये मैडम खाती नहीं है, प्रॉब्लम वो है, इसलिए बचा के रखे इतना तक उसको चाय और नाश्ता साथ में चाहिए. चाय में पाव डुबा के खाना. हाँ बट एक है ऊपर ना वाइट बटर दैट लोनी लगा के यहाँ पे देखिए गोली बोझे आ गया है. तो इधर आके मतलब पूरा
गोवा एक्सप्लोर कर रही है। मुझे अपना आवाज़ों ने कम किया, वापस बढ़ा दी। मेरा भी सेम है, मस्त है। गाइस जितना मैं बॉम्बे में नहीं खाता है ना, उतना इधर खाते हैं हम लोग। शायद इधर का क्लाइमेट अलग है, बॉम्बे में ऐसा नहीं है। बॉम्बे में खाएगा तो ब्लोट हो जाता है, इधर आने के बाद ना ब्लोट गया है। तो यहाँ पे हमने ट्रेन में खाने के लिए खाना ले लिया है, मशरूम भाजी और चना मसाला और चपाती, और साथ में बंस भी ले लिया है हम लोग ने। तो ट्रेन में खाने के लिए हो जाएगा ना हम लोग को। तो यहाँ पे हमारा टैक्सी भी आ चुका है, तो अभी चलते हैं स्टेशन। हम लोग स्टेशन पहुंच गए इधर, अभी देखते हैं बोगी किधर लगा है और ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाला है इधर के। तो हम लोग अभी प्लेटफॉर्म में आके बैठ गए इधर, अभी थोड़ा टाइम है और हम लोग को एक घंटा है क्योंकि 1 o'clock का ट्रेन आने वाला है। और ये है करमाली स्टेशन, यहाँ पे देखिए ये बहुत नज़दीक स्टेशन है, हम लोग के मंदिर तक बहुत नज़दीक है, अराउंड 20 minutes का रास्ता है। इधर बस नहीं मिलता है, बस बहुत दूर है। यहाँ पे हम लोग टैक्सी या फिर रिक्शा पकड़ के जाते हैं। हम लोग 2 जन रहेगा तो ठीक है, अगर 3-4 रहेगा तो टैक्सी इज़ बेटर। और यहाँ पे देखो मालगाड़ी लगी है, करमाली स्टेशन बहुत साफ सुथरा है। और मम्मी बैठ गई इधर, बहुत गर्म भी हो रहा है इधर। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और अभी तक ट्रेन नहीं आया, 1 o'clock का आ रहा था, अभी 1:15 हो गया, पता नहीं शायद ट्रेन डिले हो गया लगता है। तो फाइनली गाइस ट्रेन आ चुका है, हम लोग अभी बोर्ड करने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए, अभी कितना गर्मी था और थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी इधर। चलो गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं और यहाँ पे ट्रेन भी निकल गया है, जास्ती देर रुका भी नहीं, बैग भी रख के हो चुका है। बहुत अच्छे से दर्शन सब हो गए हम लोग का, बहुत अच्छा लग रहा है इधर, ठंडा महसूस हो रहा है। और हर साल हम लोग आते ही है, बहुत इन्जॉय किया 2 दिन, जैसे स्टार्टिंग में बोला था खुशी खुशी जा रहे हैं, जाने के बाद थोड़ा सैड हो जाते हैं, वैसे ही फील हो रहा है अभी। ट्रिप खत्म नहीं होता है, अगले का प्लानिंग स्टार्ट होता है। तो हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, तो हम लोग ने होटल से मंगाया ये मशरूम है, गोवा का मशरूम मसाला है, और चपाती लेके आए थे हम लोग। तो हमारा लंच आज ट्रेन में होने वाला है, छोले। कुछ अलग भी होना चाहिए ना, नहीं तो हर वक्त हम लोग सेम चना मसाला खा के घंटा लगे। हम लोग अभी खाना खा रहे हैं इधर, बॉयल शिंगदाना खा रहे हैं। हम लोग इधर खाने का ही काम है अभी, और कुछ काम नहीं है, कि ट्रेन में बैठ के हम लोग टाइम पास करने गए बस। तो गाइस हम लोग अभी रत्नागिरी पहुंच गए हैं, हम लोग जस्ट सो गए थे, बहुत थक गए थे ना, अच्छा नींद हो गया, हाफ वे पहुंचे हैं हम लोग, अभी क्रॉसिंग के लिए खड़े हैं। इधर ग्रीन सिग्नल भी हो गया है, ये देखिए आ गए, इनको बहुत सो गए थी ये, अभी जस्ट आ गए। हाँ मैं क्या वक्त चलो मैडम, तो रत्नागिरी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। मम्मी को वड़ा पाव खाने का, चिपलून का वड़ा पाव, तो टेस्टी लगता है मम्मी को, तो मजे से वड़ा पाव खा रही है। मम्मी को भी बहुत वड़ा पाव पसंद है चिपलून का। हम लोग को ट्रेन पे खाली खाने का ही काम है, डैडी है ना बोलता था हमेशा कि नहीं चिपलून का वड़ा पाव बहुत फेमस है करके।
तो हम लोग अभी खेड़ पहुंच गए हैं और यहाँ से अराउंड मेरे को लगता है और 4 घंटा है और हमारा ट्रेन भी छूट गया। अभी हम लोग अभी पनवेल पहुंच गए हैं। पनवेल आके हम लोग को एक याद आ रहा है, कुछ तो था ना वो कोट, क्या अरे क्या कोट था वो, क्या कोट था, वसुली भाई। अरे हाँ वसुली भाई का पनवेल जाना है। पनवेल जाना नहीं है, अरे जल्दी करो भाई, पनवेल जाना है। हमारा ट्रेन का जर्नी खत्म होने वाला है क्योंकि हमारा अभी स्टेशन आ गया है, अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 में उतरने वाले है। बहुत अच्छा है क्योंकि नजदीक ही है, यहाँ से सीधा हम लोग बाहर जाएंगे अभी। ट्रेन से उतर गए हम लोग अभी, तो हम लोग अभी चलते हैं अभी घर की तरफ। चलिए हम लोग अभी घर आ चुके हैं, सब थक गए अभी, हम लोग का स्पिरिचुअल ट्रिप भी अभी एंड हो गया है, लेकिन ट्रेन ने टाइम पे पहुंचाया। अच्छा लगा, मजा आया। नेक्स्ट जर्नी का कुछ प्लान करेंगे। मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पहले के भी वीडियोस आपने नहीं देखे ना तो जाके प्लीज देखना। ये जो हमारा स्पिरिचुअल ट्रिप था ना उसका व्लॉग डालूंगा, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर करना और हमको सपोर्ट करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया तो। ओके गाइज, बाय बाय।